हेलो एवरीवन, स्वागत है हर घर फूड्स में। तो आज हम बना रहे हैं चाउमीन। चाउमीन को उबलने के लिए रखते हैं, तो मैंने 2 पैकेट चाउमीन लिया है, उसे रख देंगे उबलने के लिए। और फिर उसके बाद ये देखिए उबल गया है, तो इसे हम छान लेंगे, ठंडा होने देंगे। और कढ़ाई लिया है, इसमें हम डालते हैं 2 बड़ा चम्मच तेल। और जब तेल गर्म हो जाए तो भी हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने सब्जियां काट कर रखी हैं, तो सब्जियां डालेंगे। हरी मिर्ची मैंने थोड़ा सा ही डाला है, तो गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी है, डाल देते हैं इसे और मिक्स कर लेते हैं। फिर डालते हैं टमाटर। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अभी इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे, अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से पका लेंगे। अभी डाला है मैंने 2 पैकेट चाउमीन मसाला, क्योंकि मैंने 2 पैकेट लिया था चाउमीन, तो उसी के हिसाब से मसाले डालेंगे। तो मसाला मैंने मिक्स कर लिया है और अभी डालते हैं चाउमीन। चाउमीन में अभी डालेंगे हम सोया सॉस, और फिर उसके बाद मीठी चटनी, तीखी चटनी ये भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग ऊपर से खाना पसंद करते हैं चटनी, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो मैं यहीं पर डाल रही हूँ। तो अभी डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लंबा लंबा रस्सी जैसा रहता है, इसलिए मिक्स करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आराम से कर लें। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो चाउमीन हमारा रेडी है, अभी हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए चाउमीन हमने सर्व कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिए और बताइए कैसा बना है। अगर आप और कोई रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए लेकर आएं। और अब तक आप हमारे वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।